रांची में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नगड़ी थाना क्षेत्र के दलदली के पास अपराधियों ने सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुभाष जमीन कारोबार से भी जुड़े हुए थे। इस वारदात को चार नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया। अपराधियों ने सुभाष को 7 गोलियां मारी। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। आसपास की दुकानों और ठेलों को तोड़ दिया। और इस पर अधिक बातचीत के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर दलादली चौक से हमारे संवाददाता दीपक का जुड़ रहे हैं। दीपक, सुभाष मुंडा की कल जो है गोली मारकर जो है हत्या की गई, अभी जो है उनका शव पहुंचा और जो लोग हैं स्थानीय काफी आक्रोशित है, फिलहाल क्या माहौल है वहां का? देखिए, राजधानी रांची में अपराध की जो घटना है वो लगातार बढ़ रहा है और अपराधी बेखौफ होकर के अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वानगी कल रात 8 बजे दलादली चौक पर देखने को मिला। सीपीआईएम के राज्य कमेटी सदस्य और आदिवासी समाज से भी सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद लोगों को जो आक्रोश है वो सड़कों पर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दलादली चौक पर जो सुभाष मुंडा के परिजन है या उनके चाहने वाले लोग है, उनकी यहाँ पे भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, नौजवान, सभी यहाँ पे जुटे हैं। जिस तरह से कल ही घोषणा कर दिया गया था कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने के लिए 12 घंटा का जो अल्टीमेटम है वो जिला प्रशासन को दिया गया है और अविलंब गिरफ्तारी नहीं होने पर जो है उसको लेकर के जो है सड़क पर लोग उतरे हैं और 12 घंटा का जो है वो आज रांची बंद का भी जो आह्वान किया गया है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में जो लोग है वो सड़क के बीच चौक पे यहाँ पे मौजूद है और पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो आवागमन गाड़ियों का जो आवागमन होता है उसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और आसपास के जितने भी दुकान है वो तमाम दुकानों को भी यहां पे बंद करा दिया गया है और जिस तरह से ग्रामीण एसपी और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पे मौके पे पहुंची, तमाम चीज़ों की तहकीकात की और उसके बाद ग्रामीण एसपी ने साफ तौर पे बताया कि अपराधियों की जो है वो पहचान की जा रही है और कई क्लू और सुराग जो है वो मिला है, जिसके आधार पर एसआईटी भी गठित की गई है जो आगे की कार्रवाई जो है वो निरंतर कर रही है। तो जो ग्रामीण एसपी ने जो बात बताया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इस घटना में जो अपराधी शामिल है उनकी अविलंब जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भी जो काम है वो किया जाएगा। लोग यहाँ पे हैं, लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, चूंकि कई आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा रांची बंद का जो आह्वान है वो किया गया है तो लोगों में जो आक्रोश है जो दिख रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे। रांची बंद का भी जो आह्वान किया गया है, लोग यहाँ पे सबके जो आँख है और दिल में दर्द देखने को मिल रहा है, क्या मांग कर रहे हैं? चूंकि जो घटना कल हुई है वो काफी दुखद घटना, देखिए कल का जो घटना घटा है, हमारे सुभाष मुंडा जो थे छोटे भाई के समान थे और जब भी हम लोग का बेटा मुलाकात होता है तो दादा कह के सम्मानित करते थे और हम लोग साथ में कितना आंदोलन भी साथ में किए हैं, हर जगह आंदोलन भी किए, हम लोग के ऊपर केस भी हुआ है। सिलगाह का जो मामला था एकलव स्कूल वाला, हम लोग आंदोलन में हम लोग एक साथ लड़े, आज हम लोग जीत भी हुआ, हम लोग के ऊपर केस भी हुआ, हम लोग बेल भी लिए हैं। लेकिन मैं सरकार और प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जो भी इसके पीछे दोषी वार है अविलंब उसको गिरफ्तार करे और जेल भेजने का काम करे, अन्यथा अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आक्रोशित और बढ़ेगा, इसका दोषी वार पूरा सरकार प्रशासन के ऊपर जाएगा। बड़ी बात है कि अभी हाल के दिनों में जो अपराधी घटना है वो काफी बड़ा है, हर एक चौक चौराहे पे कभी भी गोलीबारी हो जाती है, तो क्या लगता है कि जो यहाँ पे जो पुलिसिया जो कार्रवाई होनी चाहिए या वो कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, हम जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं राज्य सरकार से भी कि जितने भी चौक चौराहा है सभी चौक चौराहा में सीसीटीवी कैमरा सरकार की ओर से आयोजित किया जाए, लगाया जाए और हर चौक चौराहा में जो गश्ती पार्टी है थाना की वो गश्ती पार्टी बढ़ाया जाए ताकि जो भी घटना घटती है हर एक चौक चौराहा से ही लोग गुजर कर जाते हैं तो जो भी गुजरेंगे वहाँ पर जो भी घटना घटेगी तो वो कैमरा के नजर में नजर आ जाएगा ही। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार और जिला प्रशासन से भी कि हर चौक चौराहा में सीसीटीवी कैमरा लगाए और गश्ती पार्टी बढ़ाने का काम करें। सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल के दिनों में जिस तरह से
भू माफिया बहुत तेजी से पनप रहा है। जो भी हत्या होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा विवाद मामला सामने आता है। तो इस इलाके में सुभाष मुंडा का एक अच्छा पकड़ भी है और जमीन जो अवैध तरीका से कब्जा होती थी उस पर भी वो काफ़ी मतलब कि बढ़ चढ़ करके कार्रवाई भी करने का जो है वो काम करते थे। तो वैसे में जो भू माफिया है वो कहीं ना कहीं वैसे लोगों को रास्ते से हटाने का जो है काम करती है। देखिए ये सच्चाई है कि जो भी आदमी सच्चे रास्ते पर चलते हैं, आप किसी को मदद करते हैं तो सच्चाई है कि आप 1000 आदमी का मदद करेंगे लेकिन उसमें से 100 आदमी कहीं ऐसे भी होंगे जो आपके विपक्ष में खड़े होंगे। तो ये सच में मदद करते थे, गरीब गुरबा को मदद करते थे, जमीन के मुद्दा पे लोगों को मदद करते थे और भी सारे किसी भी मुद्दा पे होते थे। तो जिसको सरकार का गलत नीति नियम होता था उसका भी लोग विरोध करते थे। तो ये इस तरह का घटना घट करके हम लोग हर समय लोगों को नजर में हम लोग अच्छा काम करने का भी प्रयास करते थे। इसी के बीच में किसी प्रकार की ऐसा घटना होती थी जो कि लोगों को पसंद नहीं आता था तो कहीं ना कहीं इससे दुख होगा लोगों को तो उससे इस तरह घटना का अंजाम दिया। लेकिन मैं ही कहना चाहता हूं कि जमीन संबंधी मामला है, लेकिन जमीन संबंधी मामला तो है ही लेकिन साथ में सरकार अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है कहीं ना कहीं प्रशासन के मिली भगत से बढ़ा है। जाहिर सी बात है जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पे इशारा में बता भी दिया कि जब कोई व्यक्ति जमीन का विवाद को लेकर के थाना में कंप्लेन करने के लिए जाता है तो सबसे पहले तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, अगर शिकायत दर्ज भी होता है तो कार्रवाई नहीं होती है। यही वजह है कि जो जमीन का विवाद है वो बढ़ता है और आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ रही है जिसकी जो हमेशा सड़कों पर भी देखने को मिलता है। हम चाहेंगे कि थोड़ी सी उनकी माँ से बात करने का, जी बिल्कुल, उनकी माँ की जो दर्द है वो साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोशिश करेंगे कि उनकी माँ से हम थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये जो घटना हुई है उसके क्या उसका कोई पुराना वैसा चीज रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीदी जैसे कि एसपी आए थे और जो आईजी साहब आए थे उनको तो तमीज नहीं था कि पब्लिक को किस तरह संभालने का। जब हम लोग मांग किए कि हम लोग का करोड़ों रुपए का संपत्ति चल गया वो धक्का मुक्की लेडीज लोगों को करने लगा तब हम लोग जाकर उसको मारने लगे। उनको तमीज नहीं है तो हम लोग से वो क्या तमीज से बात करेगा बताइए। इस तरह का होना चाहिए प्रशासन, अगर मांग कर रहा है हम लोग के साथ आज हम लोग का एक आदिवासी चिराग हो गया है तो हम लोग मांग करेंगे तो वो आके धक्का मुक्की करता है लेडीज से का वो उसका वो तमीज करने का आदत है। हाँ माँ बाप ने उसको शिक्षा नहीं दिया है और जब प्रशासन बना है तो उसको अकल नहीं है किस तरह उसका प्रशासन जो सिस्टम और कस्टम सिखाया जाता है डिसिप्लिन में रहने के लिए उसको अक्ल नहीं है जो कि एक औरत पर हाथ उठाता है। सोचिए इस तरह का पुलिस प्रशासन का नीति और सिद्धांत है, इस तरह का उन लोग का गुंडागर्दी है तो इस तरह का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी आज हम लोग को कोई भी एक भी सुराग नहीं मिला तो हम लोग थाना को जलाने का काम करेंगे, चाहे अकेले जाके जलाएंगे पर जलाएंगे। आज हम लोग 12 साल का इतिहास को रचेंगे जिस तरह हम लोग 12 साल में जनी शिकार करते हैं उस तरह हम लोग अपराधी को लेके लावे हम लोग उसको सेंद्रा करेंगे। उनको तो फांसी देने में उसको मोह और माया लगता है, हम लोग को मोह माया नहीं लगेगा, हम लोग उसको सजा देंगे। दौड़ा दौड़ा को कुत्ता से मार के लोगों को सेंद्रा करेंगे, एकदम चिड़ फाड़ कर उसका पीस को एक बिछने कर उसका माँ बाप को नहीं मिले। हम चाहेंगे थोड़ा माँ से बात करने का क्योंकि माँ का जो दर्द है वो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं। माँ सबसे बड़ी पहले ये बताइए सुभाष मुंडा का तो किसी से कोई रंजिश भी नहीं था, लोगों से काफी मिलनसार थे, लोगों का सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे, ऐसी घटना आखिर कैसे हो गया क्या आप लोगों को लग रहा है? हम लोग कोई ऐसा साजिश नहीं है, हम लोग तो जान नहीं रहे थे, समाज सेवा था। यह समाज सेवा में यह आदिवासी का केवल नहीं पूरे झारखंड वासी का सभी का समाज सेवा का ही था। ये जाति पाति नहीं देखता था, सबको एक मान सम्मान देखता था। तो इसमें देखा जाए अपराधी कहाँ से आया क्यों मरा तो हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि जब यहाँ प्रशासन है, यहाँ हड़िया विधानसभा का विधायक है, उन लोग को पता करना चाहिए। तो ये दलादली चौक की लाइव तस्वीरें जहां पर
नगड़ी थाना का और यहाँ रातू थाना का यहाँ का प्रभारी कहाँ है, क्यों सोए हुए हैं, उनको काहे खोज के नहीं निकाल रहे हैं, हमको न्याय क्या उन्हें मिल रहा है। 12 साल में ठीक बोलिए निमा मुंडा ये राज जी कि 12 साल में जब सिंदरा करते हैं इस तरह का हम लोग को सिंदरा करना होगा, अगर यदि नहीं करेगा प्रभारी लोग तो हम इतना ही कह के इतना ही बोलेंगे और नहीं बोल पाएंगे। माँ थी जिनका दर्द आप सुन रहे थे, उन्होंने अपना बेटा खो दिया और जैसा लोग बताते हैं कि उनका किसी से किसी तरह का कोई रंजिश नहीं था, ना ही पैसों को लेकर के किसी तरह का शिकार था। वैसे में आखिर उसकी हत्या क्यों की गई, भी उनके दफ्तर में घुस कर जहाँ पर वो अपना ऑफिस में वो बैठे हुए थे शाम के वक्त कुछ लोगों के साथ, और उस दरमियान 3 अपराधी उनके दफ्तर में घुसते हैं और अंधाधुंध गोली फायरिंग करते हैं उनके ऊपर, जबकि जो बता जानकारी मिली है कि वहाँ पे 5 से 6 लोगों के साथ सुभाष मुंडा बैठे हुए थे, लेकिन सुभाष मुंडा को ही टारगेट करके गोलीबारी की जाती है और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग जो तैयारी करके जो क्रिमिनल थे वो घर पहुँचे थे सुभाष मुंडा के दफ्तर में और उसके बाद गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये साफ है क्योंकि सुभाष मुंडा का व्यक्तित्व काफ़ी बेहतर था, हर किसी से वो मिलनसार थे और किसी तरह का कोई आपसी रंजिश या पैसे की लेन देन को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं था। हटिया विधानसभा से 2 बार वो बाय चुनाव भी लड़ा और मांडर बाई इलेक्शन भी लड़ा, तो कह सकते हैं कि राजनीति में भी उनकी एक अच्छी पकड़ थी, आदिवासी समाज के बीच एक अग्रणी नेता के तौर पे जाते थे, हर किसी के सुख दुख में हमेशा वो साथ रहते थे। वैसे व्यक्ति को अगर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है और वही चिंता जो है कहीं ना कहीं आज सड़क पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जितने भी दुकान है वो सभी दुकानें बंद है और जो आवागमन जो रिंग रोड का जो मुख्य सड़क है जहाँ से गाड़ियों का आना जाना होता है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक है। भारी संख्या में जो सुभाष मुंडा के परिजन है या फिर उनके चाहने वाले लोग हैं उनके समर्थक हैं वो सड़कों पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी है इन मामले में उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हालांकि ग्रामीण ने जब घटनास्थल पे पहुंचा जो थाना प्रभारी उन्हें भी जो है सस्पेंड कर दिया है, इस पर क्या कुछ बातें आ रही है सामने? जी बिल्कुल, जैसे ही कल जो घटना घटी शाम 8 बजे जब सुभाष मुंडा अपने दफ्तर में बैठे हुए थे अपने 4-5 लोगों के साथ बातचीत वो कर रहे थे, उसी दरमियान जब 3 अपराधी उनके दफ्तर में घुसते हैं और गोली मारकर हत्या कर देते हैं, उसके बाद पुलिस महकमा रेस हो जाती है। चूँकि जैसे ही घटना घटी उसके बाद लोगों को जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिला और भारी संख्या में जो उनके समर्थक थे सुभाष मुंडा के परिवार थे वो सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करने लगे, तब पुलिस महकमा जो है वो रेस हुआ। कई थानों के जो थाना प्रभारी DSP है SSP SP तक वो कल रात यहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचे और जब हालात बेकाबू होता गया तब जा करके जो है कि नगरी थाना के थाना प्रभारी को निलंबित किया गया और आज डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पे पहुँची, FSL की टीम पहुँची, ग्रामीण SP नौशाद आलम भी घटनास्थल पे पहुँचे और तमाम चीज़ों की तहकीकात की। कई बिंदु पर भी जो है वो जाँच चल रही है और जब ग्रामीण SP से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं जिनका भी हाथ रहा होगा उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कई क्लू जो है वो पुलिस को मिला है, SIT भी गठित हो गई है और उस क्लू के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई होगी। CCTV कैमरा जो जहां से वो दफ्तर के लिए रास्ता जाता है वहां पे जो CCTV कैमरा लगा हुआ है उस कैमरा को भी खंगालने की कोशिश होगी और जिसके आधार पर जो आरोपी है जो दोषी है उनकी शिनाख्त की जा सके, उनकी पहचान की जा सके और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होती है वो की जा सके। लेकिन उनके परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें सुस्ती दिखाई, जब ये एक भीड़भाड़ इलाका वाला है चौक और यहाँ पे बाजार हाट लगता है, लोगों की गतिविधियाँ यहाँ पे होती है, वैसे जगह पर पुलिस प्रशासन की तैनाती होनी चाहिए, बाकायदा पेट्रोलिंग होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं कल यहाँ पे नहीं हुआ और यही वजह है कि जो घात लगाए अपराधी थे वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, सुभाष मुंडा को गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद भागने में वो सफल हुए। जी जी बिल्कुल, अपराध की जो घटनाएं हैं, अपराध जो है बढ़ते जा रहा है राजधानी रांची में, आम दिनों में भी जो है गोलीबारी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं और इस पर जो है पुलिस प्रशासन को जो सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और खासकर कल जो ये वारदात हुई है सुभाष मुंडा की जो गोली मारकर हत्या हुई है इस पर सख्ती से कार्रवाई कर छापेमारी कर जो है दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी जो है सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह के जो वारदात है आगे चलकर ना हो, क्योंकि अपराधी जो है अभी फरार चल रहे हैं और जब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे तो कहीं ना
कहीं आक्रोश जो ग्रामीण है, जो स्थानीय है, वो काफी आक्रोशित रहेंगे इसी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम तस्वीरें जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।